हाई एवरीवन, आई एम सुरभि शर्मा फ्रॉम मडैब ओवरसीज. हमारे साथ कैंथू यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड फार्मेसी के स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं. अपनी हॉलीडेज में यहाँ वापस आए हैं, तो हम जानना चाहेंगे ग्लिम्स अबाउट कैंथू यूनिवर्सिटी. आदित्य. हाँ, आदित्य राय. हेलो एवरीवन, मैं नॉर्थ इंडिया के वाराणसी के पास स्थित मऊ से हूँ, मऊ जिले से हूँ. और अभी तक तो मतलब फर्स्ट ईयर थे, हम फर्स्ट बैच थे, फर्स्ट ईयर थे कैंथू यूनिवर्सिटी में. अभी तक का यार एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा. मतलब कि पढ़ाई में पहली बात मैं टॉपिक को एक क्लासिफाई करता हूँ. पहले पढ़ाई पे तो हम लोग को पहले क्लासेस जो भी होती हैं, पहले वियतनामीज टीचर पढ़ाते हैं और फिर सेम क्लासेस को पैरेलली इंडियन टीचर्स के द्वारा भी चलाया जाता है. और यू असेंबली प्लैब नेस्ट सारी की कोचिंग वहाँ पे फ्री में प्रोवाइड हो रही है. और अलॉन्ग विथ थियोरेटिकल क्लासेस हम लोग को प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है. अबाउट 8 to 9 डेड बॉडीज़ कैडेवर्स वहाँ पड़े हुए हैं और विदाउट एनी मीन्स इंटरप्शन वो हम वो फ्री छोड़ देते हैं किसी भी बॉडी पार्ट को एनाटॉमी लैब में, मतलब पढ़ने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए. उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होता, जो कि मुझको अब तक की सबसे बेस्ट चीज़ लगी है. इवन इंडियन मेडिकल कॉलेज या फिर किसी भी अब्रॉड मेडिकल कॉलेज में इतना फ्रीडम आपको कोई नहीं देता, ये सबसे अच्छी चीज़ है. और पढ़ाई के बाद अगर हम लोग आए वहाँ पे टीचर्स या फिर पब्लिक बिहेवियर का, तो वो हमारे साथ बहुत अच्छा रहा यार अभी तक. मतलब पब्लिक ऐसा फैमिली आपको ट्रीट करती है जो वहाँ की पब्लिक है. और टीचर्स भी हमेशा एवर रेडी टू हेल्प यू ऑल द टाइम, विदर डे और नाइट, 24/7 दे आर एवर रेडी टू हेल्प यू. उसके बाद तीसरी चीज़ आती है अगर यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आउटस्टैंडिंग है, उसमें कोई डाउट नहीं है. तो यू मीन टू से, सॉरी टू इंटरप्ट, हुआ देते कि वहाँ पर आपको इंडियन प्रोफेसर्स भी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ, हर टॉपिक को पैरेलली इंडियन प्रोफेसर द्वारा भी चलाया जाता है. मतलब जो आपके लोकल वहाँ टीचर्स हैं उनको वो भी पढ़ा रहे हैं और इंडियन प्रोफेसर्स भी आपको क्लासेस दे रहे हैं. हाँ. और यूएसएमली यूके प्लैब और नेक्स्ट के लिए भी प्रिपेयर कराया जा रहा है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपके कोर्स के अंदर ही इंक्लूडेड है, राइट? ठीक है. और आप जो बताते हैं कैडेवर्स के लिए, ह्यूमन बॉडीज कैडेवर्स दिए जाते हैं, टीचर्स रहते हैं आपको ऑब्जर्व करके आपको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए. बट ऐसा नहीं होता कि आप इतनी बॉडी को एक्सपोज कर सकते हो, इतनी बॉडी को देख सकते हो, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है मेडिकल कॉलेज में कि देख अच्छे से देखने नहीं, बहुत पुरानी बॉडीज नहीं मिली. हाँ, बिल्कुल फ्रेश बॉडीज मिल रही हैं जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए काफी अच्छी होती है. तो मतलब क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है. अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर से प्रैक्टिकली भी. और जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में रैंक करती है वियतनाम के, तो वहाँ पे पेशेंट फ्लो काफी हाई हो चुका है. काफी हाई. हाँ, मतलब हर समय आपको दिखने में लग जाएगा कि इंडिया के किसी लाइक एम्स दिल्ली या फिर किसी अच्छे कॉलेज जैसे वहाँ पे, मतलब एम्स से हम कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है. और जो स्टिमुलेशन लैब्स वगैरह सब अच्छा है, एनाटॉमी सब कुछ बढ़िया है. तो हॉस्टल्स और इनके बारे में थोड़ा बताइए, लाइब्रेरीज, बुक्स का क्या है? बुक्स आपको कैरी करनी पड़ती हैं या फिर नहीं? मतलब आप अपनी इंडियन बुक्स भी ले जा सकते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट वी विल गेट अ होल सम लाइक कैटलॉग ऑफ ऑल बुक्स from Indian as well as foreign authors. And talking about the hostels, that is about 100 meters distance from our university. And both like boys and girls have separate hostels. And then we get a separate cook for Indian, North Indian and South Indian. Okay, so mess वगैरह सब अलग है? हाँ, mess सब कुछ हाँ अलग है. North Indian food भी मिलता है, South Indian food भी मिलता है, और three times a day है. मतलब आपको कुछ अपने आप से बनाना करना कुछ ऐसा नहीं है? Okay, that's great. चलो, thank you so much.